इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सबको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना है और इसी के लिए हम उन युवाओं को यहाँ पर सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं जो राजनीति में आए, चुनाव लड़ा और आज देश समाज और अपने गांव और अपने शहर मोहल्ले की सेवा कर रहे हैं। आदर्श युवा विधायक पुरस्कार, और इसके लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगी जो इस पुरस्कार से पुरस्कृत होने जा रहे हैं, श्री पानी तरम जो कि एमएलए हैं भाजपा के, आप अरुणाचल से आते हैं, आज उन्हें आदर्श विधायक पुरस्कार से यहाँ नवाजा जाएगा। आपकी तालियों के बीच उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए। श्री पानी तरम कोलोरियांग से भाजपा के एमएलए युवा नेता, जिन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया, और आपकी तालियों के बीच यहाँ इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय श्री के स्वामी गौड़ जी और हमारे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा। आपकी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे इस युवा विधायक का। आप दो शब्द कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों के लिए? मेरे युवा मित्रों और यहाँ पे जितने भी आसीन सम्मानित अतिथि और मेरे देवियों और सज्जनों एंड मीडिया फ्रेंड्स, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अरुणाचल प्रदेश जिसको हम आइलैंड ऑफ पीस एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन से नाम से जाना जाते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में है, बॉर्डर स्टेट है। खास करके जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये चाइना इंडिया बॉर्डर है, बिल्कुल इंटीरियर प्लेस है। हमारे राज भले ही काफ़ी बैकवर्ड हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि राज को विकास में लाने के लिए केंद्र की सरकार की मदद से हम अपने युवाओं के साथ हम पूरे कोशिश कर रहे हैं हमारा राज को आगे ले जाने के लिए। मैं मेरे जितने भी मित्रों हैं दो बात कहना चाहूँगा कि युवा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमको दो हिस्से में मैं कहना चाहूँगा, एक है कि हम युवा के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरी बात है कि युवा देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि राजनीति और सामाजिक में जितना भी हमारे जो यूथ्स है उनको हम शामिल करना चाहिए, देश के लिए काम करने के लिए मौका देना चाहिए। दूसरी बात है कि युवा जितना भी जो अभी अनएम्प्लॉयड है उनको उनका लिविंग स्टैंडर्ड को हमको बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा देश का जो पॉवर्टी है वो इलिमिनेट एराडिकेट हो सके और देश आगे बढ़ सके। उसके बाद युवा हमारा देश के लिए क्या कर सकता है, युवा अपने जिम्मेदारी को अपने समझे ताकि वो देश के लिए क्या करना चाहे, क्या करे। देश के लिए युवा ही एक शक्तिशाली एक व्यक्ति होते हैं, युवा के बिना देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए एक है कि युवा जो है अपना जिम्मेदारी समझकर आपको अपना देश के लिए क्या करना है, जितना भी जो इलिटरेसी है इसको आप इरेडिकेट करना है, पॉवर्टी को मिटाना है, लोन अदर सिचुएशन को आपको संभालना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। आपको मेहनत करना है देश के लिए, आपको मेहनत करना है, आप देश की भविष्य है, आप देश की कल है और आपके ऊपर में हमारे ये उम्मीद है। जय हिंद। थैंक यू थैंक यू वेरी मच श्री पानी तरम जी।